आज के समय में किराया इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आज जहां आप अपनी किसी खाली पड़ी प्रॉपर्टी या मकान को किराए पर दे करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, तो वहीं किराए के मकान उन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जो पैसे की कमी के चलते अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं। लेकिन किराए की प्रॉपर्टी को लेते या देते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू तय करते हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको कोई भी रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय जरूर ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। जब किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले किराएदार और मकान मालिक एक लिखित समझौता तैयार करते हैं तो उसको रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। रेंट एग्रीमेंट में मकान किराए पर लेने और देने से जुड़ी हुई शर्तें लिखी हुई होती है जिस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों की सहमति से सिग्नेचर भी होते हैं जो फ्यूचर में अच्छे तालमेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव मकान मालिक या फिर किराएदार की तरफ से होता है तो उसको भी रेंट एग्रीमेंट के अनुसार ही पूरा किया जाता है। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट नोटरी एडवोकेट से बनवाना चाहते हैं तो आपको हमेशा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। कुछ लोग 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं जो कि गलत है, क्योंकि स्टैम्प पेपर एक्ट के अनुसार कोई भी जनरल एग्रीमेंट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर ही वैलिड होता है। पॉइंट नंबर 2, किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट किस दिन और किस तारीख को बनाया जा रहा है और प्रॉपर्टी कितने समय के लिए रेंट पर दी जा रही है, ये भी रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टैम्प पेपर पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कोई भी किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट गवाहों के बिना पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो कम से कम 2 गवाह जरूर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक दोनों का नाम और पता साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें किराएदार का पुराना पता जहां वो पहले रहता था या फिर उसके आधार कार्ड में जो पता है वो पता भी लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही जो जगह किराए पर दी जा रही है उसका पूरा पता भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मकान का किराया देने का टाइम पीरियड और उसकी तारीख भी लिखी हुई होनी चाहिए और अगर रेंट देने में देर हो जाती है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी वसूल की जाएगी और कितने टाइम के लिए वसूल की जाएगी, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक को किराएदार के द्वारा जो सिक्योरिटी मनी दी गई है उसका भी जिक्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अगर मकान मालिक किसी तरह की सुविधा किराएदार को मकान के साथ दे रहा है तो क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि पंखा, गीजर, लाइट फिटिंग वगैरह, इसका जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में जरूर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, किराएदार घर छोड़े या फिर मकान मालिक घर छोड़ने के लिए कहे, दोनों ही सूरतों में 1 महीने पहले लीगल नोटिस देना जरूरी होता है, इसलिए रेंट एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ होना चाहिए कि कितने महीने का लीगल नोटिस दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, समय के साथ साथ ही कितना किराया बढ़ाया जाता रहेगा, इसका जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। ज्यादातर लोग हर साल 10% किराया बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 11, रेंट एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, इसका जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए जो कि आमतौर पर 1 महीने का होता है। 3 चीजें ऐसी है कि जिनका आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट जिन 2 लोगों के बीच में हो रहा है वो दोनों फिजिकली और मेंटली इस एग्रीमेंट को करने के लिए कैपेबल होने चाहिए और दोनों की एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए और उन दोनों में से किसी पर भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है एग्रीमेंट का टाइम पीरियड और उसका रजिस्टर होना। अगर आप किसी नोटरी एडवोकेट से रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो आपको हमेशा 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है और अगर आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसका रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए रजिस्टर करवाने के लिए। तीसरी चीज है प्रॉपर्टी पर कोई केस या स्टे। मकान लेने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई केस या स्टे उस प्रॉपर्टी पर नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर ले और आप फंस जाएं। 3 चीजें ऐसी है कि रेंट एग्रीमेंट करवाने के बाद आपको उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है पुलिस वेरिफिकेशन। मकान रेंट पर देने के बाद मकान मालिक को अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है, जिसका प्रोविजन सीआरपीसी सेक्शन 144 में किया गया है। इसके अनुसार हर एक मकान मालिक को अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है
वरना उसे कानून के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दूसरी चीज है मकान का रख रखाव। आप जो प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं उसे समय समय पर आपको चेक करते रहना चाहिए कि उसका रख रखाव और देखभाल सही तरह से हो रही है या नहीं। तीसरी चीज है कि किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। पक्का किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एक रिटर्न रेंट एग्रीमेंट तैयार करना होता है जिसमें दोनों पार्टीज की फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच होती है, साथ ही दो गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच होती है और जितने महीनों के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है उसके टोटल रेंट पर जो भी स्टैम्प फीस लगेगी वो फीस भी आपको उसके साथ अटैच करनी होगी। उसके साथ ही दो गवाहों की गवाही के साथ आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना होता है। जब आप एक बार अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं तो फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है और कोई केस करना पड़ता है तो उसमें एज एन एविडेंस ये रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट बहुत ही काम आता है। रेंट एग्रीमेंट से आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना किरायानामा या फिर रेंट एग्रीमेंट दिखा करके टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। जो लोग बिना रेंट एग्रीमेंट के किराए पर रह रहे हैं उनको ये छूट नहीं मिलती है। जब आप एक बार रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं तो आप उसको एज एन एड्रेस प्रूफ कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गैस का कनेक्शन लेना है तो उसके लिए भी एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी आप रेंट एग्रीमेंट को एज एन एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, तो वहां पर भी आप रेंट एग्रीमेंट को एज एन एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। पुलिस की जो इंक्वायरी आएगी वो आपकी उसी एड्रेस पर आएगी जहां आप रेंट पर रह रहे हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने रेंट एग्रीमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें जानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।